हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो साथियों, आज के इस मॉर्निंग न्यूज में मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके माइंड में क्वेश्चन है कि डीएसएसबी में न्यू वैकेंसीज कब तक आ सकती हैं, उस पर जो आरटीआई लगाई गई है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके बाद बिहार के अंदर भी कुछ अपडेट है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इससे पहले कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था और क्वेश्चन था वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, मतलब कितने किलोमीटर की हाइट तक है ऊपर। तो साथियों, ये 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक है वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है। इस पर जो करेक्ट आंसर आए, प्रताप पवार, सीमा मीना, सुरेंद्र सिंह, ओनली थ्री कैंडिडेट्स के करेक्ट आंसर आए और प्रताप पवार जी का सबसे पहले करेक्ट आंसर आए, तो इन सभी साथियों का दिल से धन्यवाद। इसके बाद जो आज के लिए क्वेश्चन है वो है कि जो लालटेन होती है या लैंप होता है उसमें किस कारण तेल ऊपर चढ़ता है, मतलब क्या कारण होता है। ये साइंस का एक क्वेश्चन है, लालटेन और लैंप में किस कारण तेल ऊपर चढ़ता है। तो साथियों, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, आज 4 जून 2019 है, जैसा आपको कल बताया गया था। आज पटना के अंदर गांधी मैदान में जो टेट पास अभ्यर्थी हैं वो बिहार के अंदर मांग करने वाले हैं कि जल्द से जल्द बहाली हो। जैसा आप जानते हैं कि पीआरटी लेवल पर अभी बहाली नहीं हुई है, तो आज मीटिंग होने वाली उन साथियों की 10 बजे। तो जो साथी वहां पर जाना चाहता है तो जरूर पहुंचे, अवश्य पहुंचे, उन साथियों का सहयोग करें जो आपके हक के लिए आगे निकले हुए। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। तो जो भी साथी वहां पर पहुंचता है प्लीज वहां पर जाए और अपने इन साथियों का सहयोग करें और हमसे जितना पॉसिबल होगा हम भी आप लोगों के लिए करेंगे। तो साथियों, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे, लेकिन ध्यान रहे कि सारी चीजें शांतिपूर्ण ढंग से हो, यह नहीं कि किसी के बहकावे में आकर कुछ चीजें आपके साथ गलत हो जाए और आपका छोटी सी गलती के कारण भविष्य खराब हो जाए। तो साथियों, यही मैं अपील करता हूं कि आप लोग सभी जो बिहार के मेरे साथी हैं जितनी ज्यादा संख्या में वहां पहुंच सके सरकार पे दबाव बनाइए, शांतिपूर्ण ढंग से सारी चीजें करिए। यह नहीं कि आप हंगामा करें या आंदोलन के नाम पे आप लड़ाई करें जिससे आपको मतलब आपको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़े, तो ये सारी चीजें ना हो। इसके बाद साथियों, बात करते हैं डीएसएसबी। जैसा कि सभी के माइंड में क्वेश्चन था, बहुत सारे मेरे साथी बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि डीएसएसबी में न्यू वैकेंसीज कब तक आ सकती हैं। तो साथियों, इसके बारे में मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं और बहुत अच्छी आप लोगों के लिए खुशखबरी है। इसके रिगार्डिंग हमारे साथी ने आरटीआई लगाई है, मतलब हम लोगों ने आरटीआई लगाई है और आरटीआई का जो जवाब है जल्द से जल्द मिलने के बाद ये सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी कि कब तक वैकेंसीज आने वाली हैं। हालांकि इसके रिगार्डिंग अशोक अग्रवाल सर से भी बात हुई थी तो उन्होंने यही बताया था कि ये पास हो चुकी हैं, अब देखते हैं कि डीएसएसबी कब तक वैकेंसीज निकाल सकती है। लेकिन हमने अब डायरेक्टली डीएसएसबी से जवाब मांगा है कि डीएसएसबी कब तक वैकेंसीज निकाल सकता है। तो साथियों, ये बहुत अच्छी खबर है आप लोगों के लिए और ये सारी चीजें आगे भी अगर अच्छी होंगी तो आप लोगों के सहयोग की वजह से होंगी। आप लोगों ने बार बार क्वेश्चन किए तो हमें लगा कि इन क्वेश्चंस को आगे ले जाया जाए और आपका जो क्वेश्चन है, आपके जो सुझाव है वो हमारे लिए माननीय है और उनकी हम कद्र करते हुए आगे उन क्वेश्चंस को लेके जाते हैं और आपके ही क्वेश्चन हमें कुछ आगे करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अच्छी हों तो हमें और अच्छा लगेगा। तो साथियों, यही अपडेट है आप लोगों के लिए और आरटीआई का जवाब जल्द से जल्द मिलते ही आप लोगों को अपडेट दे दी जाएगी और उसके बाद साथ में आप अपनी प्रिपरेशन तो कंटिन्यू रखें। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।